व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्री, इसके सवाल और जवाब देख रहे हैं। पहले पाठ्यपुस्तक के आंतरिक प्रश्न देखेंगे। क्या आप बता सकते हो कि जो सिक्के हैं, इसके लिए आपको इस पृष्ठ पे जाना पड़ेगा, ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुंचे होंगे? तो इसका उत्तर ये है उसमें कि रोम के व्यापारी समुद्री जहाजों और सड़क के रास्ते व्यापार करने के लिए दक्षिण भारत में आते थे, सदर्न इंडिया में, और यहां से काली मिर्च, पेपर, कीमती पत्थर, सोना और मसाले ये खरीदने के लिए रोम के सिक्कों का प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार से रोम के सिक्के भारत पहुंचे। कविता में उल्लिखित चीजों की एक सूची बनाओ, और क्या आप बता सकते हो कि इन चीजों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा? तो कविता में जो उल्लिखित चीजें हैं, जैसे घोड़े, इनका उपयोग युद्ध के लिए किया जाता होगा, काली मिर्च का मसाले के रूप में, रत्न और सोना, इन दोनों का आभूषण आभूषण बनाने के लिए उपयोग किया गया होगा या किया जाता होगा। इसी तरीके से चंदन की लकड़ी, ये महलों की सजावट और इत्र बनाने के लिए, मोती और मूंगे, ये आभूषण बनाने के लिए, खाद्यान्न, ये भोजन के लिए, और मिट्टी के बर्तन, ये खाना खाने के लिए। क्या आप बता सकते हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहते थे? इसका उत्तर ये है कि जी श्री सातकर्णी तटों पर इसलिए नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि तटों पर विदेशी व्यापारी आकर उतरते थे, यहां पर आते थे, और व्यापारियों के लिए कीमती उपहार लिए जाते थे, तथा तटों के आसपास इलाकों से भारी शुल्क यानी कि टैक्स वसूल किया जाता था, जिसे राज्य की आय बढ़ सकती थी। सिल्क रूट, सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता होगा? सिल्क रूट यानी कि जहां से सिल्क एक जगह से दूसरी जगह जाता था। अब मेन चीज ये है कि यहां पर गाड़ियां जाना बड़ा मुश्किल है, होता होगा, क्योंकि ये रास्ते आज भी अगर आप देखें तो बड़े, यहां पर दुर्गम पहाड़ियां हैं, बीच में रेगिस्तानी इलाके आते हैं, और इस पर गाड़ियों का चलना थोड़ा मुश्किल होता होगा। इसलिए अमूमन उस समय, जिस समय की हम अभी बात कर रहे हैं, पैदल यात्रा ही की जाती थी। चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। अब मानचित्र में इसमें आपको ढूंढना है, इस पेज पे जरूर जाइएगा, और समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं आती होंगी। तो समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में दुर्गम पहाड़ियां और रेगिस्तानी इलाकों को पार करने में बहुत सारी परेशानियां आती होगी। अब लेकिन अगर समुद्री रास्ते की बात करें तो समुद्री रास्ते में तेज वर्षा और समुद्री तूफान हवाओं के कारण समुद्री जहाज के रास्ता भटकाने या भटकने या डूबने का खतरा रहता हो, तो इसीलिए इसको हम परेशानियां कहीं कहेंगे। इसके हिसाब से परेशानियां कम थी हमारे पास। कहने का मतलब यह है कि समुद्र के रास्ते, चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था, और समुद्र के रास्ते रेशम भेजने की में क्या सुविधा या समस्याएं आती होंगी। तो मेन चीज ये है कि इन अगर आप पहाड़ी और रेगिस्तान के बारे में बात करें तो वहां पर इतनी परेशानियां नहीं आती होगी, लेकिन समुद्र का जहां तक बात करें, वहां पर तेज वर्षा तूफान, क्योंकि उस समय इतने सोफिस्टिकेटेड शिप्स तो थे नहीं, तो दिक्कतें बहुत थी। मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है ये, और ये तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का चित्र है। अब इन चित्रों को देखकर आपको बताना है कि इनके बीच में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। दोनों भगवान बुद्ध की ही तस्वीरें हैं, इनकी प्रतिमाएं हैं। तो समानता यह है कि भगवान बुद्ध दोनों चित्रों में अभय मुद्रा में है, अभय मुद्रा में है,
और दोनों भगवान बुद्ध की उकेरी गई मूर्ति के चित्र हैं। दोनों ही भगवान बुद्ध के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग मूर्तियां बनाई गई हैं दोनों भगवान बुद्ध। लेकिन इसमें भिन्नताएं क्या है, अलग क्या है? एक चित्र में भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, यहां पर भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, यहां पर भगवान बुद्ध खड़े हुए हैं। और जो बैठी हुई मूर्ति में भगवान बुद्ध का शरीर यहां कपड़ों से ढका हुआ है, जबकि इस जगह पे जो खड़ी हुई मूर्ति है उसमें भगवान बुद्ध की पीठ कपड़ों से ढकी हुई है, पीठ ढकी हुई है। आपको जो एनसीईआरटी का ये सवा पेज दोबारा देखना है और उसके बाद आपको बताना है कि आप बता सकते हो कि बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला होगा, इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ होगा। तो इस में अगर आप जाएंगे, इसको आप एक बार और पढ़ेंगे, तो इस यहां पर श्रीलंका और म्यांमार जो आधुनिक बर्मा है उसका वर्णन है। तो शायद जहां यहां जो व्यापारी व्यापार करने के लिए आए होंगे वे बौद्ध धर्म के मानने वाले होंगे, और श्रीलंका और म्यांमार के लोग व्यापारियों के विचारों से प्रभावित हुए होंगे। और व्यापारिक संबंधों में वस्तुओं के आदान प्रदान के साथ साथ और क्या होता था, विचारों का, भाषाओं का, संस्कृति साहित्य का, धर्म का, खान पान, इनका भी आदान प्रदान होता था, होता होगा इसमें। तो इस प्रकार जरूर यही तरीका होगा कि बौद्ध धर्म यहां फैला, और क्योंकि वहां की बौद्ध धर्म की चीजें उन्हें पसंद आई इसलिए यहां फैला। बताओ कि फाशियन अपनी पांडुलिपियों और मूर्तियों को क्यों नहीं फेंकना चाहते थे? तो फाशियन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये बौद्ध धर्म को मानते थे। उन्होंने पांडुलिपियां और मूर्तियां अपनी भारत यात्रा के दौरान कलेक्ट की या संकलित की थी, और यह सब उन्होंने काफी मेहनत और कई वर्षों के तक भारत में घूम घूम कर उन्होंने संकलित या इकट्ठा किया था, और जिसे वह फिर से प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसीलिए जब वो समुद्री यात्रा पे थे और ऐसी चीज आ गई जब लोगों ने अपने सारे चीजें फेंक दी ताकि शिप का भार कम हो जाए, उन्होंने बाकी सारी चीजें फेंक दी लेकिन पांडुलिपियां मूर्तियां वो अपने पास रखी। श्वेन सांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहते थे, आपको कारण बताना है। उस समय का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में था। अब नालंदा बौद्ध विद्या केंद्र शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे, यहाँ के जो बौद्ध थे, चाहे वो योग्यता हो या बुद्धि हो। अब बुद्ध के उपदेशों का वे पूरी ईमानदारी से पालन करते थे, पूरे दिन वाद विवाद यानी कि डिबेट चलते थे और चलते ही रहते थे, जिसमें युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे का आदर करते थे, अपना मत रखते थे और प्रॉपर एक हेल्दी डिस्कशन होता था। इसीलिए श्वेनसांग इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, वो यही पढ़ना चाहते थे। कवि सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज्यादा महत्व देते हैं? तो कवि सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति दोनों में से भक्ति को ज्यादा महत्व देते थे। अब मानचित्र में आपको देखना है और पता लगाना है कि किस रास्ते से ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए होंगे। तो उसका उत्तर यह है कि ईसाई धर्म प्रचारक समुद्री मार्ग से भारत आए होंगे। अगर आप देखें तो केरला, चाहे आप देखें साउथ सदर्न इंडिया के पार्ट, गोवा हो गया, इन सब जगह ईसाई धर्म ज्यादा है आज भी, क्योंकि ये ऐसी जगह थी जहां पर ईसाई धर्म आए, उन्होंने अपना धर्म का प्रचार किया और जो जिन लोगों को ये धर्म अच्छा लगा उन्होंने इसको अपनाया। और जैसे मैंने पहले भी बताया है, धर्म सारे अच्छे होते हैं, आप किसी को भी अपनाइए, अच्छा काम ही सिखाते हैं। अब अन्य अंतर के बारे में बात करते हैं। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति
दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद रखता है, उम्मीद करता है। तो बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी गई हैं, इसका एक अंश यहाँ पर है। धन्य है वो लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर के या ईश्वर की संतान कहलाएंगे। तो ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे ये पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से आए। और केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः ये पश्चिम एशिया से आए। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। तो मानचित्र में आपको इसे देखना है, पता लगाना है कि किस रास्ते से ईसाई धर्म प्रचारक आए होंगे। हमने इसके बारे में ये डिस्कस कर लिया कि वो समुद्री यात्रा से आए थे, समुद्री मार्ग से आए थे। आपके पास कोई पांडुलिपि है जिससे एक चीनी तीर्थयात्री अपने साथ ले जाना चाहता है, उसके साथ आपकी बातचीत का वर्णन कीजिए। जो हमने चैप्टर में पढ़ा उस हिसाब से आपको बताना है। तो इसको आप खुद बताएंगे कि किस तरीके से वो आपके पास कोई पांडुलिपि है और चीनी तीर्थयात्री उसे ले जाना चाहते हैं। तो पहले तो आज का जो समय है उसमें तो बहुत मुश्किल है परमिशन देना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो जो हमारे पास्ट का, हमारी हिस्ट्री का साक्ष्य है। लेकिन अगर इसकी परमिशन मिलती है तो आप उसकी, उस पांडुलिपि के बारे में, उस चीज़ के बारे में जो लिखा है उसके बारे में उसका उसको संज्ञान देंगे, उसको अपने विचार प्रकट करेंगे, इसमें ये है और इसमें ये कहा गया है, इसकी इसका क्या महत्व है, इसकी क्या वैल्यू है और इसमें जो जिसने इसको लिखा है उससे वो क्या वर्णन करना चाहता है, और ये सब बताने के बाद फिर आप उन्हें पांडुलिपि देंगे। अब पाठ्य पुस्तक से सवाल हम देख रहे हैं, प्रश्न अभ्यास है, तो आपको जोड़े बनाने हैं यानी कि मैच द फॉलोइंग करना है। तो दक्षिणापथ के स्वामी, ये दक्षिणापथ के स्वामी, इसको हम मैच करेंगे सातवाहन शासक से। मुवेंदार, मुवेंदार ये आपके चोल, चेर और पांडे। अश्वघोष बुद्धचरित, बोधिसत्व ये महायान बौद्ध धर्म, और श्वेनसांग ये चीनी यात्री थे। राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे? उसका उत्तर यह है कि शासक कर यानी टैक्स के लाभ के लिए रेशम मार्ग पर नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर मिलता था, शुल्क मिलता था और तोहफे मिलते थे, इसके माध्यम से उनको फायदा होता था, लाभ मिलता था। व्यापार और व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते हैं? तो इतिहासकार यानी कि जो हिस्टोरियंस हैं, व्यापार और व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए बर्तनों का उपयोग करते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां के ये बर्तन, जहां ये बर्तन बनते थे वहां से व्यापारी अलग अलग जगहों पर इसे ले गए होंगे। भक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो भक्ति की जो विशेषताएं हैं, किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ, जो पाथ है, वो सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति के हो या नीची जाति के हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। और भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन, निष्ठा और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए, कारण आपको बनाना है। इसका कारण इस तरीके से है कि चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जैसे फाश्यान, इत्सिंग और श्वेनसांग ये भारत की यात्रा पर आए थे। वे सब बुद्ध की जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए आए थे, इसलिए वे सबसे पहले बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों से परिचित हुए, कहां कहां बुद्ध का जीवन
निकला और जो इंपॉर्टेंट जगह थे, और वे प्रसिद्ध मठों को देखने गए। उन्होंने किताबों और बुद्ध की मूर्तियों को इकट्ठा किया। श्वेनसांग और अन्य जो तीर्थयात्री थे उन्होंने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में, बिहार में, उसमें अध्ययन किया, और यह उस समय का बहुत प्रसिद्ध बौद्ध मठ था। साधारण लोगों का भक्ति के प्रति आकर्षित होने का कौन सा कारण होता है? जो साधारण लोग हैं वो भक्ति मार्ग या परंपरा की ओर इसलिए आकर्षित हुए, इसलिए वो फैसिनेट हुए, क्योंकि हमारी वैदिक परंपरा बहुत कठोर थी। इसमें जाति और वर्गों को ध्यान में रखा जाता था, अलग अलग श्रेणी में लोग बटे थे। तो ये लोग लोगों को ही पूजा करने की अनुमति नहीं देते थे, कुछ लोगों को, कई लोग जैसे थे दास दासियां, जो छोटी जाति जिन्होंने उन्होंने बताया था, और जो खासतौर पर स्त्रियों को भी कई जगह अनुमति नहीं थी, तो वे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। लेकिन भक्ति का पाथ ये सबके लिए खुला था, कोई भी इसमें डिबार नहीं था, या ये नहीं कह सकते थे कि आप नहीं कर सकते, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष हो। इसीलिए साधारण लोग भक्ति के प्रति आकर्षित हुए। आप बाजार से क्या क्या सामान खरीदते हो उसकी एक सूची बनाना है आपको, और आपको ये भी बताना है कि आप जिस शहर या गांव में रहते हो वहां इनमें से कौन कौन सी चीजें बनी थी और किन चीजों को व्यापारी बाहर से लाए थे। तो बाजार से जो हम वस्तुएं खरीदते हैं उसमें कपड़े हैं, मिट्टी से बनी वस्तुएं हैं, चावल है, जूते हैं, किताबें, ये एक लिस्ट है, इसमें आप अपनी चीजें भी जोड़ सकते हैं। अब ये जो वस्तुएं ऊपर दी गई हैं, वस्तुओं में जो किताबें हैं, कपड़े हैं और जूते, ये व्यापारियों द्वारा बाहर से लाए जाते हैं, जबकि मिट्टी से बनी वस्तुएं और चावल ये शहर या गांव में आमतौर पर उपलब्ध रहते हैं, उपलब्ध होते हैं। आज भारत में लोग बहुत तीर्थ यात्राएं करते हैं, उनमें से एक के विषय में आप पता कीजिए और संक्षिप्त विवरण दीजिए। संकेत आपको दिया गया है, क्लू या फिर एक आइडिया दिया गया है, तीर्थयात्री में स्त्री पुरुष और बच्चों में से कौन जा सकते हैं, इनमें कितना वक्त लगता है, लोग किस तरह यात्रा करते हैं, वे अपनी यात्रा के दौरान क्या क्या ले जाते हैं, तीर्थयात्रों पर पहुँच कर वो क्या करते हैं, क्या वे वापस आते हैं या वापस आते समय कुछ साथ में भी लाते हैं। तो इसके अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, ये अपने हिसाब से आप बनाइएगा। एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि लोग बहुत सारे स्थानों पर पूजा या तीर्थ यात्राएं करते हैं, जैसे कि चार धाम हो गया, कई लोग मथुरा की यात्रा करते हैं, कई लोग अयोध्या की यात्रा करते हैं, कई लोग जैसे जो सिख समुदाय है वो अमृतसर जाते हैं, और अब एक जो पाकिस्तान की तरफ से एक राह खुली है वहाँ जाते हैं करतारपुर साहब, ऐसी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मक्का मदीना जाते हैं। ये तीर्थ यात्राएं होती है, यानी कि भगवान के नाम पर भगवान के लिए यात्रा। तो इनमें से एक स्थान है हरिद्वार, ये हिंदुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है। यह लोगों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है, और लोग इस स्थान पर धार्मिक स्थान स्नान करते हैं, डुबकी लेते हैं, और गंगा का उद्गम यानी शुरुआत हिमालय में हुआ है। यहाँ भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं के बहुत सारे मंदिर हैं, और सावन के महीने में लोग यहाँ उत्साह के साथ घूमने आते हैं और गंगा जल के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये पवित्र गंगा जल लेकर विभिन्न स्थानों के लिए पैदल यात्रा भी करते हैं। कांवड़ जो होता है, ये भी एक तरीके तीर्थ यात्री हैं।